जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीजें तय रहती है। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं है? तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है, तो वो तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हमने तो शुरू से कहा ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियाँ नहीं हैं? और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा, वो तो कोई उपजाति की बात करेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त चीज़ है कि इसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जानकारी दे दी गई, ट्रेनिंग कर दी गई और ये सब चीज़ पूछेंगे। कोई उपजाति बोलेगा तो क्या जाति, अच्छा उपजाति है तो बगल का घर भी तो जानता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही घर है, कई अनेक होते हैं, तो तुरंत पता चलेगा और वो मिल करके फिर कहेगा कि भाई उपजाति है जाति है। तो इसको लेकर के ये सब चीज़ ठीक ढंग से हो सकता है। ये कोई कहे कि जो पिछली बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसका मतलब जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, ये बात उचित नहीं। सरकार ने मना कर दिया सर, हम सरकार में आप सर आप कर्नाटक के तर्ज पे कराएंगे बिहार में, कतई सही नहीं मानते हैं। हम लोगों ने बिहार के सारे पार्टी के लोग, 10 पार्टी के लोग एकजुट होकर के, और आप जानते हैं बिहार में पहले से भी विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है, और इसलिए इस बार एक बार आकर के हम लोगों ने मिलकर के अपनी बात रखी है, अनुरोध किया है। अब ये जो कोर्ट का मामला है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई हैं, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे इस चीज़ पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे। और रही बात आप कहिएगा राज्य में जी, तो हम लोग राज्य में फिर सब पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग बैठेंगे और क्या करना चाहिए इसके बारे में सर, इस बात करेंगे आपस में। हम लोग तो मिल करके अपनी पूरी बात कह दिए, और ऐसा नहीं जो पत्र लिखे थे उस पत्र में ही इन बातों की चर्चा कर चुके हैं, और मिल करके भी सभी लोगों ने, अपनी बात रख दी है, और उसके बाद भी आप लोगों ने भी पूछा है तो हम लोगों ने सारी बात बता दी। इसलिए हम लोगों का जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक रूप से नोन नहीं, हर किसी को मालूम है कि हम लोगों की इच्छा क्या है और आधार क्या बताते हैं जी। तो ये हो जाएगा तो ये देश के हित में है, देश के विकास में इससे ज़्यादा सहूलियत होगी। अगर नहीं होता है सर, क्या जेडीयू सरकार में कंटिन्यू करेगी? देखिए ये सब बात तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है, अभी इसके बारे में अभी आया है, हम लोग पुनः इस बात को लेकर के फिर आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे, सभी दल के लोगों से चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए आगे, फिर इसके बारे में फिर। तेजस्वी यादव ने सर 33 अलग अलग छोड़ा ना, तेजस्वी बनाने की तैयारी है क्योंकि अभी हेमंत सोरेन भी जा रहे हैं मिलने के लिए इसी मुद्दे को लेके गृहमंत्री से। तो ये तो बता रहे हैं कि आप ठीक से गौर करिएगा तो आप देखिएगा कि सभी राज्यों में ये बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप देखिएगा तो सभी राज्यों में आपको पता चलेगा कि लोग चाहते हैं कि जरूर जातिगत जनगणना होना चाहिए, कास्ट सेंसस एक बार जरूर होना चाहिए जिससे देश को भला होगा। मुख्यमंत्री जी आप क्या पूरे देश भर का दौरा करेंगे और सब दलों को एकजुट करेंगे इस मुद्दे पे? तो एक अलग विषय मुख्यमंत्री जी, वो तो अलग विषय है, अभी तो हम लोगों ने बिहार के की तरफ से जो बातचीत किया, हम लोग फिर एक बार बातचीत करेंगे। हम लोगों की राय स्पष्ट तौर पर है कि नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी मेरा